हेलो 10th क्लास, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आइए गाइस, आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे मैथ्स का चैप्टर नंबर 5, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। टुडे इज अ न्यू चैप्टर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो आइए बात करते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो आइए गाइस, बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हमें यह समझना है कि इस चैप्टर का जो नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका मतलब क्या है। और इसको समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। गाइस, अगर मैं आपके सामने कुछ भी नंबर्स लिख दूं, कुछ भी, तो इसे बोला जाता है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। क्या बोला जाता है? सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। और अगर कोई भी सीक्वेंस ऑफ नंबर किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करे तो उसे हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2, 5, 8, 11, 14, सो ऑन। तो यहां से यहां पर कितने का गैप है? +3 कर देंगे, +3, +3, +3, मतलब हर नेक्स्ट नंबर प्रीवियस नंबर में +3 ऐड करने से आ रहा है, ऐड 3 करने से आ रहा है। That means, ये पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रही है सीक्वेंस, इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। अब बात आती है कि प्रोग्रेशन जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब कहलाता है। तो कोई भी प्रोग्रेशन, एपी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट होता है एपी। प्रोग्रेशन को हम एपी कब कहते हैं? अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज सेड टू बी an arithmetic progression if next number is obtained by adding a fixed number to the preceding term। यानी प्रीसीडिंग मतलब पिछली, किसी भी पिछली टर्म में जब हम एक फिक्स्ड नंबर ऐड करते जाएं और उससे हमें नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन होता जाए, तो ऐसी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि कोई भी ऐसे सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जिनमें आप देखो हर बार एक सेम नंबर ऐड करने पे नेक्स्ट नंबर आ रहा हो, ऐसे टाइप की सीक्वेंसेस को, प्रोग्रेशंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिनका गैप सेम हो। आप ऐसे भी बोल सकते हो जिनका गैप सेम हो। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल और अगर लूं इसका, मान लो मैंने 5 से स्टार्ट करा, अब मैंने 7-7 का गैप लिया, तो 5 + 7 = 12, 12 + 7 = 19, 19 + 7 = 26 एंड सो ऑन। तो ये भी क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी का एक एग्जांपल है। ठीक है बेटा, तो एपी सबसे पहले क्या होती है? फर्स्ट थिंग इज कि आपको ये क्लियर हो अच्छे से कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इस चैप्टर में हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है। ठीक है बेटा, तो जल्दी से नोट करिए इसको। सो आइए गाइस, आगे बढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अब क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है इसको समझते हैं। गाइस, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन, कोई भी प्रोग्रेशन आपके सामने है और ये कौन सा प्रोग्रेशन है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो हर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक फर्स्ट टर्म होती है जिसका सिंबल होता है ए। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। इसके बाद आता है कॉमन डिफरेंस, को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। और डी का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? a2 - a1। a2 का मतलब सेकंड टर्म, और जो a1 है वो बेसिकली a ही है। अगर हम a के नीचे कुछ ना लिखें तो भी इसका मतलब फर्स्ट टर्म है, 1 लगा दें तो भी इसका मतलब फर्स्ट टर्म है। तो a1 का मतलब है फर्स्ट टर्म। और आप किसी भी टर्म में से अगर उसकी प्रीवियस टर्म माइनस कर दो, जैसे मान लो कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। डी निकालने के लिए आपको सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है, तो सेकंड टर्म कितना है यहां पर? 11, और सॉरी सेकंड टर्म कितना लिख रहा है आपको? 7, और 7 में से माइनस क्या कर रहे हैं? 3, तो आंसर कितना आया? 4। सो हियर डी इज द
कॉमन डिफरेंस हुज वैल्यू इज 4, ए इज द फर्स्ट टर्म, इन दैट केस इज वैल्यू द वैल्यू ऑफ ए इज 3. इसके बाद नेक्स्ट आता है nth टर्म. nth टर्म को हम जनरल टर्म या फिर लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं. nth टर्म बोलो, जनरल टर्म बोलो या लास्ट टर्म, तीनों का एक ही मतलब है. और इसका सिंबल होता है an. क्या सिंबल होता है इसका? an. an का मतलब क्या, आप इसको ध्यान से समझो. देखो a के नीचे अगर मैं 5 लिखता हूं तो इसका मतलब फिफ्थ टर्म होता है. a के नीचे अगर मैं 7th लिखता हूं तो इसका मतलब 7th टर्म होता है. तो अगर मैं a के नीचे n लिख रहा हूं इसका मतलब nth टर्म की बात हो रही है. इसकी बात हो रही है nth टर्म की. तो अगर मुझे nth टर्म का मतलब पता करना है तो इसका ये मतलब है, जैसे मान लो फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 7, थर्ड टर्म 11, फोर्थ टर्म 15. अगर मैं आपसे बोलूं इसकी फिफ्थ टर्म बताओ, तो आपने देखा कि सब में 4-4 प्लस हो रहा है, तो आपने फिफ्थ टर्म बताने के लिए क्या करा, इसमें 4 प्लस करके 19 आंसर दे दिया. बहुत इजी था. मैंने आपको कहा 6 टर्म बताओ, तो आपने 19 में फिर से प्लस 4 कर दिया और बोला 23. लेकिन अगर मैं आपको सीधा बोल दूं कि इसकी 97th टर्म बताओ, तो दैट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू कि आप डायरेक्ट आंसर दे पाओ. तो ये जो nth टर्म है, जिसे हम जनरल टर्म भी कहते हैं या लास्ट टर्म भी कहते हैं, जिसका सिंबल an होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है a plus n minus 1 d. दिस फॉर्मूला यू कैन यूज टू फाइंड एनी टर्म. 97th टर्म आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली 97th टर्म पता कर सकते हो. आपको एक एक करके सारी टर्म में प्लस 4 करके 97 तक पहुंचने की जरूरत नहीं होगी. समझ में आ गई बात आपको? nth टर्म, जनरल टर्म या लास्ट टर्म का फॉर्मूला ये है. यूज कैसे होगा ये मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा. डोंट वरी अबाउट दिस. एंड द लास्ट फॉर्मूला इज सम ऑफ n टर्म्स, जिसको हम SN से रिप्रेजेंट करते हैं. मान लो मैं आपको कोई इसकी तीन टर्म को प्लस करके इसका सम निकालो, तो आपको हो गया 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 11 21, 21 इज द आंसर. मैंने कहा 4 टर्म्स का सम निकाल दो, तो आपने 21 तक तो आ ही गया था, उसमें 15 और प्लस कर दिया, 36 इज द आंसर. लेकिन अगर मैं आपको कह दूं कि जितनी ये टर्म्स हैं इसमें 97 टर्म्स का सम निकालो, ऑब्वियसली ये आपके लिए इतना आसान नहीं होगा. तो इसका भी जरूर हमारे पास कोई फॉर्मूला होना चाहिए जिससे डायरेक्ट हमें जितनी भी टर्म्स का सम चाहिए कि हम वो फाइंड आउट कर सके. तो पहली बात तो सम ऑफ एन टर्म्स को हम SN से रिप्रेजेंट करते हैं. और इसका फॉर्मूला क्या होता है गाइस, मैं आपके लिए एक बार दोबारा से फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये थोड़ा सा मैसी हो गया समझाने के चक्कर में, तो मैं एक बार फॉर्मूले दोबारा से लिख के दे देता हूँ आपको. तो गाइस ये आपकी स्क्रीन पे मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए, आप देख सकते हैं. फर्स्ट टर्म ए से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी ए की जो सबसे पहली टर्म है दैट इज द फर्स्ट टर्म, वो ए की वैल्यू हो जाएगी. कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि एपी की हर दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में गैप कितना है, तो इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं. और जनरली इसको हम फाइंड कैसे करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो किसी भी टर्म में से उसकी पहले वाली टर्म, जैसे इसको अगर मैं n को 3 ले लूं, n को 3 लूंगा तो ये a3 माइनस a2 बन जाएगा, n को 4 ले लूंगा तो a4 माइनस a3 बन जाएगा. किसी भी टर्म में से अगर आप उसकी प्रीवियस टर्म माइनस करते हो तो यू विल गेट d. लेकिन वैसे जनरली फॉर्मूला लर्न कर रहा हूं तो आप a2 माइनस a1 बोल सकते हो. नेक्स्ट आता है nth टर्म. nth टर्म को मैंने क्या बोला, क्या क्या बोल सकते हैं हम, जनरल टर्म भी बोल सकते हैं, लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं. इसका सिंबल होता है an, और an को निकालने का फॉर्मूला क्या है, a plus n minus 1 into d. इस फॉर्मूले से आप कोई भी टर्म, अगर आपको ये AP दे रखी है, आप उसकी कोई भी टर्म पे जाना चाहते हैं, 50th टर्म, 100th टर्म, 152nd टर्म, 1000th टर्म, कितनी भी टर्म दूर जाना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं. नेक्स्ट आता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स. आपको एक एपी पता है, आप उसकी 5 टर्म्स का सम, 50 टर्म्स का सम, 100 टर्म्स का सम, 200 टर्म्स का सम, जितनी मर्जी टर्म्स का सम चाहे निकाल सकते हैं बिना ऐड करे, सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करके. SN का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म. द फॉर्मूला इज n बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d. और SN को हम एक और फॉर्मूले से लिख सकते हैं, n बाय 2 ब्रैकेट a प्लस an. an का मतलब क्या था, nth टर्म, जिसको हम nth टर्म के अलावा
जनरल टर्म या लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ये एनएच टर्म के ही दो और नाम है, तो आप इसको किसी भी नाम से बुला सकते हैं। तो ये है इंट्रोडक्शन ऑफ एपी, जो इसके फॉर्मूलाज हैं। और अगर आप ओवरऑल चेक करो ना, पूरा का पूरा चैप्टर किस पे डिपेंड कर रहा है? ए, डी और एन। इसके अलावा दो फॉर्मूले हैं, ए एन और एस एन। ए डी एन वो टर्म्स हैं जो यूज होती हैं, और किस में यूज होती हैं? सिर्फ दो फॉर्मूलाज में, एक ए एन का और एक एस एन का। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एपी, जिसे आप जल्दी से नोट करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ। चलिए गाइस, ये था हमारा इंट्रोडक्शन और आज हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को एक्सरसाइज नंबर 5.1 से, जो कि बहुत ही ज्यादा बेसिक एक्सरसाइज है और एग्जाम में सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये इतने ज्यादा नहीं आते, लेकिन एमसीक्यू है तो 1 मार्क में कहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है गाइस, दैट इज बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम, और वर्ड प्रॉब्लम जो है वो हम एक साथ करेंगे, तो इसलिए आप अभी इसको इग्नोर कर सकते हो। हम सीधा स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, 5.1 क्वेश्चन नंबर 2। तो आप देख सकते हैं लिखा होगा राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। आपको किसी एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोस। तो अगर आप मुझे एक बात बताइए, आपको ए गिवन है कितना, 10, और बी आपको गिवन है 10, और आपको क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है एपी। तो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी आर, किसी भी एपी की स्टार्टिंग कहां से होती है, ए से, क्योंकि ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। तो ए का मतलब फर्स्ट टर्म है, तो देयरफॉर इसकी पहली टर्म तो 10 होगी, और बाकी की जितनी भी टर्म्स हैं वो कैसे आती हैं, D प्लस करते जाओ। तो 10 में D प्लस करा, यानी कि 10 प्लस करा, तो नेक्स्ट 20 आ गया। फिर 20 में फिर से D प्लस करा, 30, 30 में फिर से D प्लस करा, 40। तो किसी भी टर्म में अगर आप D प्लस करते जाओगे तो आपको उसकी नेक्स्ट टर्म मिलती रहेगी। एंड किसी भी एपी की स्टार्टिंग कहां से होती है, A से होती है। ठीक है बेटा, आइए एक पार्ट और ले लेते हैं। मान लीजिए फिफ्थ पार्ट है, इसमें A दे रखा है आपको माइनस का 1.25 and D is given to you minus 0.25. तो आपको फिर से क्या लिखनी है, first four terms. तो first four terms are, पहली टर्म तो A लिख दो, जो A की वैल्यू है, this is minus 1.25. अब अगर आपको मन में कैलकुलेशन ना करनी है तो आप थोड़ा काम रफ वर्क के लिए कर सकते हैं। तो A के बाद अब A में, यानी कि minus 1.25 में आपको प्लस करना होता है D, और D खुद किस में है, माइनस में। तो माइनस 1.25 माइनस 0.25, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1.50, जिसको आप माइनस का 1.5 भी बोल सकते हो। फिर माइनस 1.5 में दोबारा से आप माइनस 0.25 ऐड करोगे तो ये माइनस का 1.75 हो जाएगा। फिर माइनस 1.7 में फिर से आप माइनस 0.25 ऐड करोगे तो ये माइनस का 2 बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये थी इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर सकते हो। ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे, बाकी पार्ट्स 2 मैंने आपको बता दिए। ठीक है बेटा, तो एपी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसमें ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं कि आपको डिफिकल्ट लगेगा, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। इवन मैं तो कहूंगा कि ये पूरा चैप्टर ही बहुत स्कोरिंग है और बहुत ईजी चैप्टर है, इसमें तो फुल मार्क्स आने चाहिए सभी के। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस गिवन था, यू हैव टू राइट एपी। अभी आपको एपी गिवन है, यू हैव टू राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो मान लीजिए फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, 3, -1, -3 एंड सो। ये आपके सामने एक एपी लिखी हुई है। इस एपी पे हमें क्या बताना है, सबसे पहले बताना है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म ए से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 3। उसके बाद हमें बताना है इसका कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, a2 - a1। सो इस हिसाब से डी कितना हो जाएगा, 1 - 3, दैट इज -2। सो हियर a इज 3
एंड डी इज माइनस टू, ये दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी थी। एक पार्ट और देख लेते हैं इसका, मान लीजिए थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में वैल्यूज फ्रैक्शन में दे रखी हैं, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन। सो अगर मैं आपसे कहूं इसकी फर्स्ट टर्म बताओ, तो फर्स्ट टर्म में तो मेरे को दिमाग ही नहीं लगा, सीधा सीधा जो पहली टर्म है वो लिख दो। और दूसरा आता है इसका कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होता है डी, और डी कैसे निकलता है, सेकेंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, तो 5/3 माइनस 1/3। तो अगर आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर दो तो इट विल बी 4/3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड था, ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, रिमेनिंग पार्ट्स आपको होमवर्क में ट्राई करने हैं, कुछ पार्ट्स मैंने इंट्रोडक्शन लिया आपको समझा दिए, इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। तो पहले आप इसे नोट करिए जल्दी से, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर फोर्थ और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। अब आपको चेक कर रहे हैं कि कोई भी सीक्वेंस जो आपको दे रखी है प्रोग्रेशन, वो एपी है भी या नहीं। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो बताओ उसका डी कितना है, एंड राइट थ्री मोर टर्म्स, उसके आगे भी तीन टर्म्स और लिखनी है। तो मान लीजिए बहुत सारे पार्ट है, हम कुछ रैंडम पार्ट ट्राई करते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। हमें चेक करके बताना है कि एपी है या नहीं। तो किसी भी एपी को कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, अब देखो आपको कुछ टर्म्स शो करी होगी और आगे डैश डैश लिखा होगा, तो जितने भी टर्म्स आपको शो कर रखी हैं, आपने वहीं तक चेक करना है, उसके आगे का नहीं सोचना। कैसे करना है, हियर आपको डिफरेंस चेक करना है हर दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का, अगर वो सेम आ गया तो एपी है, नहीं तो नहीं है। लेकिन लिख के कैसे दिखाना है, सबसे पहले आप सेकेंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, तो कितना आया 2, फिर आप नेक्स्ट टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म यानी कि थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस करो, तो आपने देखा सेम आ रहा है या अलग आ रहा है, अलग आ गया तो आप लिख सकते हो हियर द डिफरेंस इज नॉट सेम सो इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। एपी की सबसे पहली कंडीशन ये है कि उनका जो डिफरेंस है कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का, किन्हीं भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का, दैट शुड बी ऑलवेज सेम। तो यहां पर सेम नहीं आ रहा, तो बस यही बात खत्म होगी। नेक्स्ट पार्ट एक और देखते हैं, जैसे मान लो सेकंड पार्ट है 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, 5/2 में से 2 माइनस करेंगे। अब यहां गलती नहीं होनी चाहिए, एलसीएम लेके सॉल्व करना है आपको, कितना आया 1/2, फिर नेक्स्ट करेंगे 3 में से माइनस 5/2, तो एलसीएम 2 लिया, 6 माइनस 5 अगेन कितना आ गया 1/2। आपको कहां तक करना है, जितनी टर्म्स आपको दिख रही हैं लास्ट तक करना है, पहले दिस माइनस दिस, देन दिस माइनस दिस, देन दिस माइनस दिस, ये लास्ट होगा आपका। अब हम तीसरा करेंगे 7/2 - 3, तो इसका एलसीएम भी कितना आ जाएगा 2, 7-6 अगेन कितना आ गया 1/2, सिंस द डिफरेंस इज सेम दैट इज 1/2 सो इट इज एन एपी। इसको आप क्या कह सकते हो, एपी। और उसने कहा था क्वेश्चन में कि अगर वो एपी है तो आपको उसका कॉमन डिफरेंस भी बताना है और थ्री मोर टर्म्स भी लिखनी। तो हियर कॉमन डिफरेंस इज, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, वही नंबर होता है जो आप बार बार माइनस करने के बाद निकाल रहे थे, तो डी कितना आ गया 1/2। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट थ्री टर्म्स और लिख के दिखाने हैं। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, इसके लिए आप क्या करोगे, आपको इसने कहां तक दिखाया था, लास्ट 7/2 तक, और आपका कॉमन डिफरेंस आपने पता कर लिया कितना है 1/2। तो जो भी आपकी आखिरी टर्म दिख रही है आपको इसके बाद तीन टर्म्स और लिखनी है, तो पहले आप इसमें कितना प्लस करोगे 1/2, फिर जो आएगा उसमें प्लस 1/2, फिर इस तरीके से। तो पहली टर्म में 7/2 प्लस 1/2 कर देंगे तो 2 एलसीएम 8/2 जो कि कट के 4 आ जाएगा। फिर ये जो 4 आंसर आया इसमें फिर से ये डी प्लस करो, तो 2 एलसीएम लेके 8 + 1 9/2, और अब ये जो 9/2 आया इसमें फिर से प्लस हाफ कर दो 10/2 जो कि 5, तो दैट इज 3 मोर टर्म्स क्या होगी 4,
9 by 2 comma 5. This is your complete solution of this question. तो अभी हमने first part कर लिया, second part कर लिया, दो तीन पार्ट हम और डिस्कस करते हैं और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 एंड एक्सरसाइज नंबर 5.1 कंप्लीट होगी. ठीक है बेटा, तो इसे नोट करिए. मैं आपसे ट्राई करने को कहूंगा, आप मुझे अभी वीडियो पॉज करने के बाद थर्ड पार्ट, सिक्स पार्ट और सेवन पार्ट ट्राई करके बताएंगे. यहां नोट करिए पहले, फिर वीडियो पॉज करके थर्ड, सिक्स एंड सेवन पार्ट आपने मुझे अभी ट्राई करके बताना है. ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 का एक 11 पार्ट और ले लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है a a स्क्वायर a क्यूब a 4 एंड सो. तो अगर मैं a स्क्वायर माइनस a करूं तो a स्क्वायर माइनस a को सॉल्व कैसे करेंगे, a कॉमन ले लो बचेगा a माइनस 1. नेक्स्ट आता है a क्यूब माइनस a स्क्वायर, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो a माइनस 1 बचेगा. तो आप मुझे बताओ a माइनस 1 तो दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ a है और यहाँ a स्क्वायर, तो क्या ये दोनों सेम हो सकते हैं, आप कहेंगे नहीं. तो as the difference is not same, as the difference is not same, so it is not an AP. ये भी AP नहीं मानी जाएगी और जिस भी पार्ट में AP नहीं है क्वेश्चन वही खत्म हो जाएगा, मैं आगे कुछ भी सॉल्व नहीं करना. आगे बढ़ते हैं, एक पार्ट और लेंगे हम इसका. जैसे मान लो 12th पार्ट देख लेते हैं. 12th पार्ट में लिखा है रूट 2, रूट 8, उसके बाद है रूट 18, रूट 32 एंड सो ऑन. इस तरीके से क्वेश्चन है. ठीक है, तो यहां पर अगर मैं आपसे सबसे पहले सॉल्व करने को कहूं रूट 8 माइनस रूट 2, तो जो भी बच्चा इसको रूट 6 लिख रहा है, पहली बात तो वो बिल्कुल गलत लिख रहा है, क्योंकि दो रूट को इस तरीके से माइनस नहीं किया जाता. इवन हमने ये रूल पढ़ा होगा 9th क्लास में कि अगर आपको दो रूट में से आपस में प्लस या माइनस करना है तो उनके रूट सेम होने चाहिए. अगर दो रूट अलग अलग है तो उनको हम प्लस या माइनस नहीं कर सकते, ऐसा आपको याद होना चाहिए. लेकिन आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि अगर कोई भी नंबर आपको रूट में गिवन है, इसमें गिवन है रूट में, तो आप ये देख लो कि कहीं वो अभी सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकता. तो अंडर रूट 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 और इसका पेयर बना लूं तो ये क्या बन जाएगा 2 रूट 2. तो अगर मैं रूट 8 को लिखूं 2 रूट 2 माइनस रूट 2, तो 2 रूट 2 माइनस रूट 2 इज रूट 2. तो जो अभी तक हमें लग रहा था सिंप्लीफाई नहीं हो सकता वो एक्चुअल में सिंप्लीफाई हो सकता है. तो ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान देना है, वरना आपके इसके कारण भी मार्क्स कट सकते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एरिया में रूट 18 माइनस रूट 8. तो आप रूट 18 को सॉल्व करके देखो, तो रूट 18 को क्या लिखा जाता है 3 3 9 9 2 18. तो ये सॉल्व करके क्या बन जाएगा 3 रूट 2. तो इसको मैं लिख रहा हूं 3 रूट 2 और रूट 8 को क्या लिखा था 2 रूट 2. तो 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 अगेन कितना आ जाएगा रूट 2. पहले कितना आया था रूट 2, अभी भी कितना आया रूट 2. अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो रूट 32 माइनस रूट 18. अब रूट 32 को अगर आप सॉल्व करो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 पांच बार आएगा, तो दो टू तो बाहर आ जाएंगे, एक रूट में रह जाएगा, दैट मींस 4 रूट 2. और रूट 18 कितना था 3 रूट 2. तो ये भी सॉल्व करके कितना आ गया अगेन रूट 2. तो सिंस द डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी. ये भी क्या कहलाइए एपी कहलाएगी. और अगर ये कंफर्म हो गया कि एपी है तो हम अपने क्वेश्चन को यहां नहीं छोड़ सकते, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अगर वो एपी है तो उसकी नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी लिखनी है और कॉमन डिफरेंस भी बताना है. तो हियर कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस इज डी इक्वल्स टू रूट टू जो ये वैल्यू आती है, एंड नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, नेक्स्ट थ्री टर्म्स के लिए देखो लास्ट टर्म क्या दे रखी थी 32, रूट में 32, इसमें प्लस क्या कर देंगे हम रूट 2. अब रूट 32 को हमने सॉल्व करके क्या लिखा था 4 रूट 2, प्लस रूट 2 करेंगे तो कितना हो गया 5 रूट 2. लेकिन हमें आंसर्स
जो यहाँ दे रखे थे क्वेश्चन में वो ऐसे दे रखा था रूट टू रूट एट रूट एटीन रूट थर्टी टू, या इसमें ऐसे लिखा था रूट टू दिस इज टू रूट टू थ्री रूट टू फोर रूट टू और अभी फाइव रूट टू आ रहा है, हमें ऐसे दे रखा ना, तो हमें आंसर भी इसी फॉर्म में लिखना चाहिए। तो फाइव रूट टू कैसे आया होगा, रूट में दो बार फाइव और एक बार टू होगा तभी तो इसका पेयर बन के फाइव बाहर आया होगा, रूट में टू बचा होगा है ना, तो मैं फाइव रूट टू को ऐसे लिख सकता हूँ। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 5 5 का 25 25 टू द 15 तो इसकी वैल्यू क्या बन गई, 5 रूट 2 का मतलब कितना हो गया अंडर रूट 15। कैसे आया समझ में आ गया, ऐसे ही नेक्स्ट में क्या करूंगा, ये जो 5 रूट 2 आया यानी कि रूट 50 आया इसमें फिर से रूट 2 प्लस कर दूंगा। अब रूट 50 का मतलब कितना था 5 रूट 2, इसमें प्लस रूट 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 रूट 2, 6 रूट 2 का मतलब दो बार 6 और एक बार 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 6 6 36 36 2 जा 72 हो गया। और एक और टर्म चाहिए हमें तो रूट 72 में फिर से रूट 2 प्लस कर दो यानी कि 6 रूट 2 में फिर से रूट 2 प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 7 रूट 2। और 7 रूट 2 को भी अगर आप सेम तरीके से सॉल्व करोगे तो रूट 98 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी नेक्स्ट थ्री टर्म्स आ गई, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से सॉल्व करना था, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी के क्वेश्चन तो सिंपल है, अगर आप एक क्वेश्चन और लेंगे तो मैं बता देता हूं उसके बाद फिर इसको क्लोज करते हैं। आप नोट करिए जल्दी से, सो गाइस ये था हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, जो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 5.1 एक्सरसाइज आज हमने कवर अप की है जो कि बहुत इजी सी थी, पूरा चैप्टर ही ओवरऑल इजी है लेकिन कई बच्चों को ट्रिकी लगता है, वो इसलिए क्योंकि आपका कंसंट्रेशन कनेक्ट नहीं होता मेरे साथ। तो प्लीज आप इसको ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 में हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे और बात करेंगे nth टर्म की। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।